गुड मॉर्निंग गाइज, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट थ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है, बट अपन ये जो मैंने इतना लेंथ लिख रखा ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो। ये तो बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख रखा है कि आपको या खुद को भी अच्छे से समझा सकूँ जब मैं भी वीडियो देखूँ तो अपनी। तो देखो, 9-12% ऑफ दिस एंड 72% ऑफ दिस, उल्टा कर दो, इतना परसेंट 237.5% ऑफ दिस एंड दिस 875% ऑफ दिस डिवाइड, इसको पार्ट में कर लो, 200% 37% इसका इतना ठीक है, 900% माइनस 25% इसका इतना, ब्रेक कर लो कि थोड़ा माइंड में जब क्वेश्चन आए ना कि हाँ ये इसका हो सकता है जी से, 200% 100% इतना डबल कर दो, 37.5% ऑफ दिस 37.5% मीन्स 3/8 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 342, 900% 100% 72 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू आ जाएगी, 25% इसका निकल जाएगा 1/4 18 आ जाएगा, प्लस कर दो, देन वी गॉट दिस। उसके बाद ये क्वेश्चन है 280, अब इसको सीधा परसेंटेज की फॉर्म में लिख लो ठीक है, 100 डिवाइड इनटू में दिस, ये भाग में है तो गुना में आ जाएगा, 174 इनटू में इसके क्या वैल्यू होती है, ये फ्रिक्शन वैल्यू है, अपने को जब परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा या अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इसका तो 1/77 इनटू में 50 काट दो भाई, इसको जब अगर हम काटेंगे ना, 7/1 7 7/4 28 ठीक है, 1/0 से 1/0 कट गया और 0 से ये कट गया, बच गया 4 4 से काट दो इसको और फिर इसको काट दो, तो हमारा आंसर आएगा 300, काट लेना यार इजी है। उसके बाद अगर देखो प्लस करना हो कोई भी ड्रम, ऐसे स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जो लो सी ग्रेड पे सी पे या बी पे, तो उन एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखो प्लस करने का तरीका यही है, 1000 1000 1000 4000, फिर उसके बाद इसको उठा लो, 400 400 500 400 1700, उसके बाद एक जो ये 9 है इसको छोड़ दो, 90 90 20 70, अब आपको ये 90 20 70 कैसे भाई, जैसे 99 है इसको 9 को लेफ्ट कर दो, 90 उठा लो, पिक किया उसको जोड़ा, 90 उठा लो 7 को छोड़ दो, 20 उठा लो 70 उठा लो जोड़ दो, 270 बाकी 9 7 3 एंड 7 26, देन वी गॉट दिस। क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करो, तो 575 माइनस में 1 ना, 576 माइनस में 1 ए माइनस बी, 576 प्लस में 1 ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, प्लस का जो 1 था ये यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 24 का स्क्वेयर कितना होता है 576, उसके बाद पावर और इसको पावर को, ये इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वेयर 1, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों 1 से 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 24, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे इस 4 से, ये 4 कट जाएगा, 24 आंसर आ गया। उसके बाद ये है 11.5% ऑफ दिस 32% ऑफ दिस, ब्रेक कर लो, 10% 1% प्लस में 0.5% ऑफ व्हाट ऑफ 375, और इसका उल्टा कर दो, 555% ऑफ 32 कर दो भाई, 10% इसका कितना होगा 34.5, 1% हो जाएगा 3.45 और इसका 0.5% हो जाएगा 1.725 एंड 500% इसको ब्रेक कर दो, 500% ऑफ दिस 32 का 100% 32 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% हाफ कर दो 16 और 5% इसका 1% निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। डिजिटल सम मेथड आपने पढ़ा होगा यार, ऐसी बात नहीं है, बस क्वेश्चन आप वो देख लो, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है भाई अच्छे लेवल की तो उसका तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो मेरे जैसे हैं जो बस तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए सही है ये मेथड, एक बार माइंड में होनी चाहिए। डिजिटल सम मेथड में क्या होता है, ड्रम का ना प्लस करके देखते हैं कि वो 9 या 1 है ना, 9 फॉर्म में आता तो 0 हो जाता है और 1 की फॉर्म में आता तो भी वो 0 हो जाता है, कैसे देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने को लगे अपन परसेंटेज से तो हो जाएगा वैसे भी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अब डिजिटल सम मेथड क्या बोलता है कि जो ये टर्म है इसका प्लस कर दो, 1+1+5 कितना हो गया 7, लिख दो, 9 नहीं है ठीक है,
फोर प्लस नाइन, कोई भी ऐसी टर्म जो नाइन बना रही है उसको कैंसिल हटा दो, ठीक है, फोर प्लस नाइन इसको हटा दिया, जीरो बन जाएगा ये, तो थ्री बच गया लेफ्ट, थ्री प्लस टू फाइव लिख दिया, फाइव प्लस फाइव और फाइव फिफ्टीन आ गया। अब इसका भी दो टर्म डिजिट में नहीं रहना, एक डिजिट में बनाए रखना अपने को, ठीक है, वन प्लस फाइव सिक्स आ जाएगा। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, सेवन इंटू थ्री फोर, और ये सब जो सोल्व करने के बाद आ जाएगा सेवन ट्वेंटी वन, इसका प्लस किया थ्री और इसका हो जाएगा थ्री, सिक्स आ गया। अब ये तो हमारा आंसर नहीं आया, ये तो हमारी सिक्स आ गया यूनिट डिजिट, कैसे कि सिक्स आया। अब ऑप्शन से अगर हम करते हैं ना, तो जो उनका सम है वो निकाल लो, कि अगर वो सम सिक्स आ रहा है तो ठीक है, अब इस वजह भी नहीं आएगा, ये सिक्स प्लस वन प्लस टू नाइन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा थर्टीन, इसको हम अगर प्लस करेंगे तो फोर, ये नाइन तो जीरो हो गए ना, तो थ्री प्लस वन फोर, ये भी नहीं बनी बात। अब ये इसका थ्री वन टू सिक्स हो जाएगा, इसका सेवन प्लस टू नाइन और फाइव बच गया, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, इलेवन प्लस वन टू आएगा, नहीं हुआ। और इस पार्ट में क्या है, ये सेवन प्लस में वन एट और टू, ये दस हो जाएगा, ठीक है, तो दस हो गया, तो वन प्लस में जीरो इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे सेवन प्लस टू नाइन, जीरो बन जाएगा, फाइव बच जाएगा, तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा, और ये आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे किया, इसका प्लस किया दस आ गया, दस को हमने टू ए वन डिजिट में लेके आना है, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन, और आगे वाली जो टर्म है उसका देखो, सेवन प्लस टू नाइन बन रहा है ये, तो जीरो हो जाएगा, बच गया जो टर्म फाइव, फाइव को इसमें भी जोड़ दो, कितना हो गया सिक्स। आप इनमें करके देखोगे ऐसे नहीं जुड़ेंगी, तो वो नहीं हुए आंसर, ये आंसर हो। ये क्वेश्चन है, इसको डिजिटल सम मेथड से करते हैं, तो सात और तीन दस और पाँच पंद्रह, अब वन डिजिट में लाएंगे तो सिक्स बन जाएगा, एट प्लस वन नाइन, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों टर्म जीरो होगी, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थर्टीन को ये डिजिट में है तो इसको वन डिजिट में लाएंगे, थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा, इसमें कैसे हो जाएगा, ये नाइन नाइन बन रहा है इसमें, तो कैसे करेंगे, एट एट प्लस फिफ्टीन, एट प्लस फाइव थर्टीन, तो यहाँ पे भी इसका फोर आ जाएगा। अब ये देखो नाइन बन रहा है, ये नाइन बन रहा है, जीरो हो जाएगा, थ्री बच जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो नाइन आएगा, नाइन मतलब जीरो। अब ऑप्शन में अगर हम देखेंगे ना, तो किसका जीरो बन रहा है, देखो फाइव प्लस ये टू सेवन बन गया, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा ना, तो सेवन और सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, तो ये तो भैया नहीं बन रहा, थ्री हो जाएगा, तो अभी ये दस बन रहा है, नहीं हुआ। अब इसमें देखो फोर प्लस टू सिक्स और ये बारह, ठीक है, अब बारह और छः अठारह, दो डिजिट में है, एक डिजिट में कर दो, वन प्लस एट नाइन इजिकल टू जीरो, तो आ गया, ये सेम आंसर है। ऐसे आप और किसी का करोगे तो नहीं आएगा, इसका आया है नाइन सेम जीरो, तो ये जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी हो सकता है, ऐसे ही करते हैं। अब 125 इंटू 6.5, ये जो क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको सोल्व करो। देखो 1000 को 8 से डिवाइड करते हैं, 125 आता है, 100 को 4 से करते हैं 25, 10 को 2 से 5, ये ना आपको माइंड में रखने हैं, ये चीज़ें क्वेश्चन देखते हैं माइंड में आनी चाहिए। अब 125 को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू में दिस, 25 को ये लिख सकते हैं 100 बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू में दिस, और 5 को लिख सकते हैं 10 बाई 2 इनटू में 23.4, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको काट के हम सोल्व करेंगे तो 6400 आ जाएगा डिवाइड बाई 8, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो इसको अगर प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो मतलब क्या था इस क्वेश्चन में जानने का, मतलब जो क्वेश्चन में जानने का कि हमें क्वेश्चन देख के पता लगा लेना है कि भैया किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये वाली ट्रिक यूज आ जाएगी आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सोल्व कर लो, ये तो सिंपल है, इसको क्या है कि इन द फॉर्म लेके आना है कि जल्दी डिवाइड हो जाए, तो 8 से डिवाइड कर दिया इसको 4 से, क्यों, क्योंकि नीचे जो टर्म है वो टर्म आएगी वो 1000 आएगी और यहाँ पे 100 आ गया, इसको अब पॉइंट पे लिख दो भाई, आंसर आ गया। कितना ईजी था ना, कि जो नीचे वाली टर्म उसको देख लिया, अगर मैं इसको 1000 बना लेता हूँ, इसको 100 बना लेता हूँ, तो पॉइंट ही करना है, पॉइंट लगा के प्लस करना, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो सेम है, डिजिटल सम मेथड से करते हैं, तो इसका प्लस किया 8 प्लस 3 प्लस 5 16 आ गया, इसका 7 आ गया, 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 का हम दो वन डिजिट में लाएंगे 2 हो जाएगा, ये 5 आ गया सेम, ठीक है। अब इसको अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आएगा, 70 का अगर हम दो वन डिजिट में लेके आए 7 आ जाएगा। अब ऑप्शन से देखो, मैंने टिक कर रखा ये राइट आंसर, तो इसी को देख लेते हैं, बाकी आप दूसरे को भी देख सकते हैं। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
सेवन टू ये नाइन हो जाएगा, बच गया कितना आठ, सोलह, तो सात आ जाएगा, है ना सही। इसको वन डिजिट में लाएंगे तो वैसे। इसके बाद ये है देखो 121 का क्यूब है, 11 का स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हैं, 121 होता है और क्यूब ये क्यूब हमने लिख दिया, इनटू में 11 भाग में कितना है वन, ये 11 31 जो 1331 का स्क्वायर क्या होता है, इसका क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब ही होता है और इसका स्क्वायर लिख दिया बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने ये पावर वैल्यू निकालनी है ठीक है। अब भैया ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे पावर का 6 बिल्कुल ठीक है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 6 हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल क्योंकि ये भाग में तो गुना में आएगा तो पावर कैंसिल हो जाएगी, बच गया कितनी पावर 1, यहाँ पे कितना 11, तो ये पावर इज इक्वल टू जो इसकी जगह आ जाएगी 1 आंसर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देखो ये है क्वेश्चन। अब जो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे ना तो ये किसका पहाड़े में आती है टर्म, तो ये किसका है, ये भैया है 19 का, 19 टेन जा दिस, 19 सेवन जा दिस, 19 नाइन जा दिस, अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब लिख दो भाई 0.9 डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और 10 को अगर हम ऐसे रखते हैं ठीक है, उसके बाद ये प्लस किया 470 आ गया इज इक्वल टू 10, 10 से ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर आ गया 47। क्वेश्चन में क्या किया, सिंपल सा अगर अपने माइंड में देखो कि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में पूछा है कि अगर इनका सम 100 हो रहा है, नज़र आ रहा है 35 और 65 का सम 100 हो रहा है और ये टर्म भी नियर ही है, ज़्यादा गैप भी नहीं है, तो क्या करना है, जो बड़े वाली टर्म है ना वो छोटे वाले की इक्वल कर लो, कैसे 65% ऑफ दिस बिल्कुल ठीक है, 35% ऑफ दिस, इसको ब्रेक कर लिया, 78 सेम कर लिया इसको भी और इसको भी, और प्लस में ये 96 लिख लिया, अब 100% ऑफ दोनों का सेम हो जाएगा, 100% तो निकालना है, मतलब 65% इसका निकालोगे 35% इसका, तो वो आएगा 100% के इक्वल, तो 100% ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा 100% पूरा का पूरा, इसका निकालने 35% ऑफ 96 उल्टा कर दो, 96% ऑफ 35, अब 96 माइनस में 4%, 100% कितना है 35 का, 35 उसमें से 4% माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.4, अरे इसको सोल्व कर दो भाई ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट हटाया ये 10 आ गया, 100% की जगह आ गया, सोल्व करो इसको, फिर क्या ब्रेक कर लिया, 210 प्लस में 1, 210 माइनस में 1, ये जो दोनों टर्म है 209 और 211 को डिवाइड बाई 1000, ये सेम इसकी मल्टीप्लाई करने की मैंने ट्रिक बताई थी आपको मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो में कि कैसे मल्टीप्लाई करना है ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा 5609 करके भी देख लेते हैं, 9763 और 7 कितना हो जाएगा 77 और 49 प्लस में 756 ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 210 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 1 का स्क्वायर 1 और ये हमारी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, इसको सोल्व कर दो ये आंसर आ गया